यहाँ पे माँ कर रही है अपना कुछ काम। आज लग रहा कि अपने घर आए भाई, कुछ नहीं करना पड़ रहा, खाना आलू के पराठे खाओ, सब खाओ। शगुन हमारी लग रही है डस्टिंग करने, हॉस्टल से आके एक दिन भी जो है क्या नहीं है, रेस्ट नहीं है। तैयारी हो रही है शाही पनीर बनाने की। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पहला व्लॉग यहीं पे हमने एंड करा था और नेक्स्ट व्लॉग यहीं से शुरू कर दिया है, तो आपने ये तो देख ही लिया था यहाँ पे। तो जो है अब हम मिलेंगे इसके बाद कल, और जो नेक्स्ट डे होगा उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो मैं नीचे आई थी, अभी सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, और नीचे आई थी फ़ोन उठाने के लिए, फ़ोन नीचे रखा था अंश के पास, और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मतलब चार्जिंग नहीं लगाई, तो बस उसी को लगाने आई थी। तो मैंने चलिए जो है एक बार आपसे हाय हेलो कर लेते हैं, सुबह सुबह का टाइम है और धूप निकल गई है। ये देखो यहाँ पे माँ कर रही है अपना कुछ काम, जो डंगरों का पशुओं का चारा है ना, उसको मतलब क्या बोलूँ, ग्रीन ग्रीन जो है उसको अलग निकाल रही है, और जो सूखा सूखा है उसको अलग निकाल रही है। सूखा किसी को दे देंगे और ग्रीन ग्रीन अपने लिए। तो माँ ये काम कर रही है, इतना काम माँ कर लेती है अभी। बस ये है देखो, हो तो बेचारी वीक ही रही है, पर वही होता है ना कि काम की तो होती ही है बड़े लोगों को, मतलब घर वाले, घर में चाहे बुजुर्ग जितने भी हो जाए, पर ये लगता है कि नहीं ये भी कर लो वो भी कर लो, एक मन में चाह होती है काम करने की। तो जी कुछ ऐसा है, और सुबह की हरियाली हरियाली, और मेरा फेस हो रहा है स्वेलिंग सी हो रही है, क्योंकि रात किस टाइम सोए थे हम, डेढ़ या पौने दो बज ही गए थे, पौने दो बज गए होंगे सोते टाइम, इतना हमें रात सोने में टाइम हो गया था। कुछ जो है खुशी, कुछ इमोशनल, मतलब कुछ ऐसा रहा, बस क्या ही बोलूं। ये देखिए बहुत अच्छा भी लग रहा था सब कुछ। तो नीचे सब जो है झाड़ू वाड़ू सब काम हो गया है, और बस सब मैं चलती हूँ ऊपर, माँ का काम भी हो गया है। ये धनिया बोया था जो कि उग गया है, और बहुत अच्छा सा, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए ये भी उठ गए हैं, और यहाँ पे धनिया ही देख रहे हैं, और बड़ा भाई, मेरे बड़े भाई का नाम है बिक्रू, मेरे से तो छोटा ही है, ज़्यादा छोटा नहीं है, एक डेढ़ साल ही छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं, पर वही है कि वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे से बड़ा ही लगता है। तो ये जा रहा है अपने खेत में, एक हेल्पर ले लिया है, हेल्पर आ गया है, और बस दोनों जाएंगे, क्योंकि आज जो है खेत में कुछ दवाई वगैरह का स्प्रे वगैरह होता है इन दिनों में खेतों में बहुत ज़्यादा, तो गाँव में ना खेतों का काम बहुत होता है, तो बस वो जो है अपने काम पे निकल लिया है जल्दी जल्दी ही, अर्ली मॉर्निंग ही, अभी अभी तो सुबह हुई थी, बस धूप निकली ही है, करीब 7:30 बजे होंगे मेरे हिसाब से, 7 ही बजे का टाइम है, और धूप देखिए कितने ऊपर चढ़ गई। आ
आज लग रहा, आज लग रहा कि अपने घर आए भाई, कुछ नहीं करना पड़ रहा, खाना आलू के पराठे खाओ, सब खाओ आलू के पराठे, बड़ा मजा आ रहा भाई। भाभी तो देखो नहीं चाहिए घर में, पर क्या करे, मजबूरी है। एक दिन खाओगे भाभी के हाथ के आज पराठे, सबकी मजबूरी है, भाभी की भी मजबूरी, भाभी की भी मजबूरी है, सभी के साथ है, तुम्हारी भाभी, हम किसी की भाभी, सब भाभी, सब ननन, सभी के घर में आएंगे रिश्ते। तो भाई तू कौन सा भाभी की कारी हाँ। कि नहीं, तू कौन सा भाभी की कारी, सबका ही है, पर ये है कि एक आध दिन का मजा ले लो, एक आध दिन की बाहर है ये। ब्रेकफास्ट हो रहा है, बच्चों ने कर लिया, इन्होंने अंदर किया है, और ये अब जो है दोनों साला बहनों भी बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब कर रहे हैं। मैं भी कर नहीं रही थी, लेकिन टेस्ट किया ज़रूर इनके साथ, मैंने अभी रुक के करूँगी। पर वही है, जब दूसरा बनाता है ना तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी बाहर, हमेशा अपने आप बना कर ही खाना होता है, ऐसा होता ज़रूर है, सबके साथ होता होगा, आप भी बताना कि जैसे कोई किचन में काम कर रहा है कुछ भी, तो अलग ही मतलब खुशबू, अलग ही टेस्ट होता है, अपने का अलग होता है, हालांकि अपने भी टेस्टी होते हैं, पर जब कोई दूसरा बंदा बना रहा हो ना तो बाहर अलग ही महक आती है। और यहाँ पे घी के पराठे बनते हैं तो इतनी अच्छी महक आ रही थी, तो बस मैंने किया टेस्ट। और बस यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही हैं, मम्मी लेटी हुई है, मम्मी ने थोड़ा सा धूप में और छाँव में मतलब धूप की तरफ अपने पैर किए हुए हैं, तो मम्मी रेस्ट कर रही है, अच्छा लग रहा है, मम्मी को रेस्ट मिल रहा है, नहीं तो ये काम मम्मी का ही होता है इस टाइम ब्रेकफास्ट बनाने का। पर कुछ टाइम तो है, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस बातें भी हमारी यहाँ पे साथ साथ चल रही हैं, भाई तो खेत में चला गया, अभी ये भी जाएंगे, विकास भी जाएगा और ये भी जाएंगे, बोल के गया है वो कुछ लाना है सामान, तो ये भी जाएंगे, पर ये खाना पीना खा के जाएंगे। और उसने तो जो है पहले ही जल्दी ही खा लिया था आज, क्योंकि जल्दी जाना था। चलो जी, गेट बंद करते हैं, चलो फिर। ट्रैक्टर भी चला गया जी, गाड़ी भी चली गई, अब थोड़ी देर में हम भी चल देंगे। शगुन हमारी लग रही है डस्टिंग करने, हॉस्टल से आके एक दिन भी जो है क्या नहीं है, रेस्ट नहीं है। डस्टिंग का नंबर है, दीपिका ने कर दी है थोड़ी सी जो है ये सेट से कर दी है, कवर वगैरह सब बेडशीट, क्योंकि बच्चे अभी उठे हैं, अभी भी हो रही भी, और मैं तो बस जो है आज फुल रेस्ट है मेरा, तो आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। भैया खाना वाना दे दिया, खा लिया, और अब बस कुछ टाइम हो जाएगा, 10 बजे अभी तो हो गया, और हेल्पर आ गई है, बर्तन वगैरह सब कुछ, और क्लीनिंग पोछा वगैरह सब झाड़ू अपने आप करेगी, बाकी ज़्यादा कुछ काम नहीं है, खाना बनाना, खाना तो इतना ही काम है। और जो है, और अब आ गए हम दूसरे रूम में, जो कि बिल्कुल फैला मशी, कहना दीपिका का मशी जो भी बोलते हैं, हमारा तो फैला पड़ा है। लंच में हमारे लिए शाही पनीर और अरहर की दाल, राइस, रायता, वो तो राइस तो नॉर्मल है, कंप्लीट हुई, तो ये बनेगा खाने में, अच्छा काफी लग रहा है, पर कितने घंटे लगेगा बस ये नहीं पता।
कुछ घंटे अच्छा लगेगा फिर अपने रास्ते। मैं और सोनी आए थे कुछ सामान लेने, पता नहीं आवाज आ रही होगी या नहीं, थोड़े से ईवी के लिए चिप्स और एक दो सामान और थे। सोनी चला रहा है बाइक, नहाने धोने का टाइम चल रहा है तो कपड़े धुल गए थे, वाइट कपड़े धुले हैं तो मैं इनको सुखा रही हूँ क्योंकि दीपिका खाने में लगी हुई है और शगुन ईवी के इधर उधर दौड़ने में, मतलब उसके पीछे पीछे रहना पड़ता है, वो पानी में ही रहती है हर टाइम, तो बच्चों के साथ खेल रही है तो बस कपड़े मैं सुखा देती हूँ और मम्मी जो है लेटी हुई है, बैठी हुई है आराम से। मम्मी से तो वैसे भी कपड़े नहीं सूखते हैं क्योंकि उनसे इतना ज़्यादा सीधा नहीं हुआ जाता, तो बस मैं कपड़े सुखा दे रही हूँ। धूप इतनी तेज़ थी, हवा इतनी तेज़ थी कि पूछिए मत। धूप में ना हाथों में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे जलन हो रही है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था लेकिन अब मेरी स्किन ना बहुत ही सेंसिटिव हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, पूरे में रेड रेड हो जाता है, दाने से निकल जाते हैं थोड़ी देर धूप में रहने के बाद भी। तो बस वही सब हमारा यहाँ पे चल रहा है और ये हमारी जो है हेल्पर है, मम्मी की बहुत अच्छी है पर ये जा रही हैं, अब काम छोड़ देंगी, अब पता नहीं क्या होने वाला है आगे क्योंकि ये जा रही हैं अपने बच्चों के पास, इनके बच्चे यहाँ पे नहीं रहते, बाहर रहते हैं तो कहीं, मतलब दूसरे शहर में जा रही है वो कहीं गांव से, तो बस वो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि इतना अच्छा काम, घर जैसा काम करती है बिल्कुल। तो देखते हैं जो भी होता है, तो बस मैं यहाँ पे कपड़े सुखा देती हूँ, फिर मेरा भी नहाने का टाइम है, मैंने चलिए सब नहा लेते हैं फिर मैं भी नहाती हूँ। और शौर्य आए थे खेत में, मेरा भी बहुत मन था आने का पर एक तो धूप इतनी हो रही थी और दोपहर का टाइम हो गया था, फिर हमें जाना भी था तो मेरा तो हो नहीं पाया, पर ये दोनों गए थे। आर्य पहले ही चला गया था इनके साथ गाड़ी में और यहाँ पे भाई कर रहा है कुछ काम, ये देखिए, और आ गया है शौर्य भी। तो ये हमारे खेत हैं, कभी आते थे बहुत अच्छा लगता था, खेतों में मैं ज़्यादा तो नहीं आती थी कभी, लेकिन कभी कभी तो आना हो ही जाता था, अपने खेतों में आने का मन तो करता ही है पर आज तो मन रह ही गया, नहीं हो पाया ये पूरा। एक तो धूप इतनी तेज और ऊपर से हवा भी बहुत ही तेज चल रही थी, मतलब जिसमें होंठ फट जाते हैं, हाथ पैर फट जाते हैं, वो वाली हवा चल रही थी। और यहाँ पे शौर्य ने भी काम करना शुरू किया, अंश ने उसको रिकॉर्ड किया कि चल मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो शौर्य भी थोड़ा थोड़ा काम सीख रहा है, पर अभी वो बच्चा है उसको खेत का काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर बच्चों को ना थोड़ी खुशी होती है कि चलो पापा मैं भी करता हूँ। आर्य के बस की बात तो है नहीं ये सब करना, आया आर्य और वो गाड़ी में चला भी गया है, लेकिन ये आए हैं बाद में, वो चला गया अपने पापा जी और चाचा जी के साथ, ये बाइक से आए हैं दोनों। तो बच्चों की मस्ती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें कर ही लेते हैं मस्ती। देखिए ये होता है खेतों का काम, तो यहाँ पे दवाई लेके आए हैं अभी, ये दवाई जो है सारी एक जगह मिक्स होगी, खाद के साथ मिलेगी, और ये है हमारा आम का पेड़, तो इसके नीचे पल्ली बोलते हैं इसको, प्लास्टिक के जो है वो शीट, उसको बिछा के सारी दवाई वगैरह एक जगह मिक्स करेंगे और फिर खेत में डालेंगे। इतने सारे काम होते हैं किसानों के बहुत ज़्यादा, और धूप में करने वाले काम होते हैं, तो ये काम करके फिर सब घर जाएंगे। किसानों का काम बहुत हार्ड होता है, बहुत कठिन होता है, और मेरा भाई पहले से खेती में ही है। मैं और शौर्य आए हैं जी खेत में, ऐसे ही कुछ काम धंधा नहीं था यहाँ आ गए, तो यहाँ पे
मामा भी कुछ सामान लाए थे खाद पानी, तो उसको मिक्स कर रहे हैं वहाँ आम के पेड़ के नीचे। पीछे से सूर्य आ गया भागता हुआ, और अभी थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिलहाल थोड़ी देर यहीं बैठते हैं और फिर चलेंगे घर। यहाँ पे देखिए ईवी की मस्ती। इसके हाथ आ गई थी बाल्टी जिसमें कपड़े सुखाए थे, तो वो बाल्टी रखी हुई थी, तो वो बाल्टी इसको दिखाई दे गई और इसने बोला कि इसमें पानी लेकर आओ, फिर ये टब इसको पूरा भरो। थोड़ा थोड़ा करके भरते गए और इसने इसको पूरा भरवाया। मतलब इतनी ज़िद्दी बच्ची है ये कि बस पूछो मत। और फिर पानी में बैठ गई और अब चल रही है। हवा बहुत तेज़ ठंडी ठंडी लग रही है पानी के अंदर, वैसे तो ठंडी नहीं है, तो अब इसको ठंड लगनी शुरू हो गई थी, तो इसको जो है ज़्यादा मज़ा फिर नहीं आया। और ये देखिए सारे में पानी पानी इसने कर दिया, ये इसका पूरा दिन का काम चलता है। और यहाँ पे विकास ही इसको जो है अब नहलाएगा, क्योंकि दीपिका बोल रही है कि मेरे से नहीं नहाती, विकास से ही नहाती है, तो इसके ना अलग ही हैं काम बस सारे। तो ये चल रहा था। यहाँ पे तैयारी हो रही है शाही पनीर बनाने की। चावल का पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो खाना रेडी होने वाला है। सबका नाना हो गया है और ठंडे ठंडे फ्रेश फ्रेश होके सब खाना खाने बैठ गए हैं। वो खा ले, वो याद है, वो ही टेस्ट पसंद है ना सब तक। रिकॉर्ड खाना तो अब आपको पता ही है क्या बना है खाने में। अरहर की दाल दीपिका ने बताई दिया। चलो भाई ये बताइए, दोनों भाई अब तक खाए भी नहीं, लेट इतना हो रहा। और बस सब खा रहे हैं, अभी इधर बैठ के ही खा रही है क्योंकि वो बाउल में खाती है और मिक्स करके। और आर्य अभी नहीं नहाया, ये बचा हुआ है, बाकी सब नहा लिए हैं। अब नहाने गई है इस टाइम पे शगुन, काफ़ी सारे लोग थे, हम तो टाइम लगा है सभी को एक एक करके नहाने में। तो जी ऐसा सब चल रहा है। और इधर ये फिर से देखो नहा धो के फिर से जो है पानी में चली गई थी, और उसको लेके आई है शगुन। ये देखो शगुन नहा ली है, और इसका ये चलता है पूरा दिन का पहरा बोलते हैं कि इसके पहरे पे ना एक रहना ही चाहिए, इतनी शैतान बच्ची है ये। तो बस यहाँ पे अब मम्मी आ गई है, और ये तो खाने पीने के बाद का टाइम है काफ़ी, तो ये भी बैठ गए हैं। अंदर से बाहर ही आ गए हैं क्योंकि बाहर चल रही है अच्छी सी हवा, कोई सोया नहीं, किसी ने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि फिर हमें जाना भी है। और मम्मी सोच रही है कहीं निकल के जाने की, इधर जाना होगा उनको तो ऐसे मम्मी परेशान हो रही है कि कहाँ से निकलूँ, अपनी चप्पल वगैरह ढूँढ रही है। तो बस जहाँ पर मौका मिला क्लिप रिकॉर्ड करने का थोड़ी बहुत करी, बस अब चलने की ही तैयारी करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम बातों में ही लगे हुए हैं। आज के व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। वो देखिए फिर से ईवी आप फिर से आपको जो है टैब पे नज़र आएगी, ये है नीचे से समरसेविल की टंकी जिसमें पानी आता है, लेकिन फ़िलहाल नहीं आ रहा क्योंकि समरसेविल नहीं चल रहा है। तो वो बोल रही है कि इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा, तो बस यही चलता है इसका। बहुत अच्छा लग रहा है, पता भी नहीं लगता टाइम सुबह से शाम कब हो जाती है। आज के व्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। कुछ भी पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें बस चलने वाले हैं हम, शगुन भी हमारे साथ जाएगी। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।